वहीं एम्स में वैक्सीन लगवाने वाले दूसरे व्यक्ति नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल थे। उनका कहना था कि वैक्सीन लगवाने के बाद वो अपने आप को बेहद खुशनसीब समझ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अपने ही देश में कोरोना वैक्सीन को तैयार किया, इसलिए सभी को देश में निर्मित कोरोना वैक्सीन पर भरोसा करना चाहिए, इसे लगवाना चाहिए। इस बारे में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल से बात की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार सिंह ने। वीके पॉल जी, आज आपने सबसे पहले एम्स के अंदर वैक्सीन लगाई, किस तरीके से आप अनुभव कर रहे हैं वैक्सीन? मुझे वैक्सीन मिलने का आज बहुत गर्व है, पहले तो कि मैं इस वैक्सीन की मुहिम में शामिल हो सका, और उससे ज़्यादा खुशी है कि इस वैक्सीन को मिलने से मैं ये साबित कर सकूं और कह सकूं सबको कि ये वैक्सीन जिनको हम विज्ञान की पद्धति से, रेगुलेटर की पद्धति से पास होने के बाद कह रहे हैं कि अच्छे वैक्सीन है, तो अपनाया है, तो अपना के दिखाया है कि ये सच्चाई की बात है, ट्रांसपेरेंट बात है। और मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि जो वैक्सीन आपको अलॉट हो, जिस भी समूह को हो, किस भी वर्ग को हो, उसको अपनाइए। हमारे दोनों हैं ग्रेट वैक्सीन, कोविशील्ड भी ग्रेट वैक्सीन है, कोवैक्सीन भी ग्रेट वैक्सीन है। प्रॉपर तरीके से जैसे जो अलॉटमेंट होगी आपको, हमें खुशकिस्मत है कि हमारे पास दो दो वैक्सीन की चॉइस है। कितने देश हैं जिनके पास कि ये दम है कि दो वैक्सीन बना भी सके, अफोर्डेबल भी हो और करोड़ों डोजों में मिल जाए और इतना बड़ा कार्यक्रम की बैकबोन बन जाए। इसको अपनाइए, इसको गर्व होना चाहिए हमें, और मौका मिला है कि ये दिखा सकूं कि मुझे मिला तो मुझे खुशी हुई। और इसी तरह से मैं सबसे विनती करूंगा कि जिसको ये खुशकिस्मत की बात हो रही है वैक्सीन लगाने की, आप अग्रणी श्रेणी में हो, शुरू करिए, रोल मॉडल बनिए, ये आपको बचाएगा, देश को बचाएगा। आप तमाम चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से आरएमएल के डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि सैड बात है, दुख की बात है। मैं उनसे, वो मेरे डॉक्टर भाई बहन हैं, नर्सेज भी हैं अगर उसमें, तो उन सबसे मैं विनती करूंगा कि आप ऐसा भ्रम पैदा मत करिए। ये सब जो रेगुलेशन के थ्रू जाके टेस्टेड एक वैक्सीन को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने इंस्टीट्यूशंस में, और हमें जरूर अपनाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे वो डॉक्टर भाई दोपहर के बाद तक आएंगे और वैक्सीन लेंगे, जो भी वैक्सीन वहाँ अलॉट हुआ है। मुझे नहीं मालूम कौन सा वैक्सीन वहाँ अलॉट हुआ है, लेकिन उसको लेना है, वो लीजिए। जैसे एम्स की फैमिली ने लिया, मैंने लिया, सारे एम्स के डॉक्टर्स लेंगे, हम सब अपनाएंगे जो भी वैक्सीन मिलेगा। सर, अभी दो दवाइयां हैं, क्या आने वाले भविष्य में समय में क्या हमारे देश में बहुत सारे और वैक्सीन आएंगे? चार और वैक्सीन लगभग जो है वो पाइपलाइन में है, कैडिला का है, जाइडस कैडिला जाइडस का है, बायोलॉजिकल ई का है, स्पुतनिक वैक्सीन है बायोलॉजिकल। ये चार अगले 3 से 6 महीनों के अंदर आने वाले हैं, और हमारे देश के पास बहुत सारे, पूरी चॉइस हमारे लिए उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर पॉल जिनका कहना था कि आने वाले समय में कई सारी वैक्सीन हमारे देश के अंदर आने वाले हैं, जिससे कि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सकेगा। कैमरामैन मनोज के साथ अनिल कुमार सिंह।